हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 11th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 29th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, ने शुरू किया है यूनिट 2 प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स, सेशन 2 क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग ऑथराइजेशन, सेशन 3 प्रोसेसिंग क्रेडिट रिक्वजिशंस, एंड सेशन 4 टेक्निक्स फॉर डिटरमिनिंग क्रेडिट वर्थीनेस। बच्चों ने शुरू किया है सेशन 1 फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि एक तरफ है सेलर और उसके पास माल खरीदने कौन आया है, बायर। सत्र 1 क्रेडिट बिक्री के लिए सुविधाएं और शर्तें। शुरू हम करते हैं आज के 8th क्वेश्चन के साथ। व्हाट कंडीशंस आर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर माल की बिक्री के लिए किन स्थितियों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब कंडीशंस जो होती है ना, एक होती है कंडीशंस, ठीक है, तो उन कंडीशंस और वारंटी, ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आएगा इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग कंडीशंस। जब कंडीशंस होती हैं तो वो कंडीशंस एक बायर द्वारा एक सेलर पे इम्पोज की जाती हैं कि ये कंडीशंस फुलफिल अगर होंगी तभी उसको बायर खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि व्हाट कंडीशंस आर यूज फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, वो कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, जिसके आधार पर जो सामान जो है वो उधार पर बिकता है, ठीक है। तो उसको आंसर को हम इस तरह पढ़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्रीमेंट इन विच अ सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर गुड्स टू अ बायर एट ए प्राइस इट मेड व्हेन देयर इज बोथ एन ऑफर एज वेल एज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। इट कैन बी मेड इन रिटन और बाय वर्ड ऑफ माउथ। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनरिक टर्म विच इंक्लूड्स सेल्स एंड द सेकेंड वन इज एग्रीमेंट टू सेल। अब देखिए इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसमें जो सेलर है वो एग्री करता है कि वो जो गुड्स है वो बायर को देगा, लेकिन फ्री में नहीं, एक कीमत पे, एक प्राइस पे, ठीक है, प्राइस यानी मनी के ऊपर, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं होता है, अगर आप बोलते हो सामान के बदले सामान देंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आता, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, वो बार्टर सिस्टम में आएगा। जब सामान को बेचा जाएगा, दिया जाएगा, बदले में पैसे मिलेंगे, रुपीज़ मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, जो भी मिलेगा, करेंसी मिलेगी, बट मनी मिलेगी, ठीक है, कोई प्राइस के ऊपर, तो वहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दोनों ऑफर करेंगे साथ में या फिर वो अपना एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, किसके लिए, बेचने के लिए, ठीक है, या खरीदने के लिए किसी कीमत के ऊपर, वो लिखा गया है इसमें। और क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, वो चाहे लिखित में भी हो सकता है या बोल के भी, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, आपके जो लोकल्स, आपके जो शॉपकीपर्स होते हैं, ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपकी चलती है, वहाँ पर जहाँ पर आपका लोकल खाता खुला होता है। अब या कई जगह बोल देते हो कि ठीक है भैया, आपको हम बाद में सामान दे देंगे, बोलते हैं ठीक है आप सामान ले जाइए, हमको बाद में दे देना, तो ठीक है आप हमें बाद में इसकी पेमेंट कर जाना, सामान आप ले जाइए, डेट इज़ द वर्ड ऑफ माउथ के अंदर हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन रिटर्न की जब बात करते हैं, तो जब आप कार वगैरह की आप जब परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, जब एक्सपेंसिव आइटम्स को खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपका एक लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक एग्रीमेंट बनता है वहाँ पर, ठीक है, तो वो हो गया रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो इसको ज़रा समझते हुए चलते हैं, ज़रा 2 पॉइंट्स को बात हम करते हैं कि एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है और वहाँ पर एक सेलर है, ठीक है ना, एक बायर है और हम बोलेंगे एक सेलर है, ठीक है। अब जो सेलर है उसके शोरूम जो है वो कार का शोरूम है, और जो अगेन जो आपका बायर है वो एक्सचेंज में क्या देगा, उसको मनी देगा, ठीक है। अब गुड्स किसके पास हैं, सेलर के पास है, उसके पास क्या है, कार है, और बायर के पास क्या, मनी। और जैसे कि मैंने बात की थी आपसे कि मनी के एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और
जब ये एक्सचेंज होती है वट कैन बी इन रिटन और वो माउथ टू माउथ भी हो सकता है, जैसे मैं अभी डिस्कस किया था, द एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और वो बोल के भी हो सकता है, ठीक है, बाय स्पीकिंग। अब सेल्स क्या होता है, ठीक है, बिक्री, अरे पीछे ने पॉइंट पढ़े थे है ना, एग्रीमेंट टू सेल और सेल्स। अब सेल्स क्या है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी कंसिडर टेक प्लेस इमीडिएटली इट इज नोन एज सेल। अब देखिए सेल कब होती है, सेल बेटी तब होती है जब आप इमीडिएटली, आप दुकान में गए, आपने बोला ये कार कितने की है, बोलते हैं कि 5 लाख की कार है, बोलते हैं ठीक है 5 लाख की कार है, ये लीजिए 5 लाख रुपीज, आप इमीडिएटली खरीद के लगे, ये होगी सेल, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ क्रेडिट सेल नहीं हुई, ये हुई है सेल, ठीक है। जरा पिक्चरल समझते हैं भाई कि यहाँ पर है कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के पास क्या होता है, मनी होती है, और जो सेल्समैन है वो है कार का शोरूम है, उसके पास है बहुत सारी कार, स्पोर्ट्स कार है उसके पास, रेड कलर की है ना। अब यहाँ पर सेलर दे देगा बायर को मनी, ये लीजिए 5 लाख रुपये, अब मुझे गाड़ी दे दीजिए, बोलते हैं ये लीजिए ये आपकी कार आ गई है ना, ये हो गया सेल, इमीडिएटली साथ साथ पैसे दे दिए है ना, उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने गुड्स उनको ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, तो ये हो गया सेल, तो वो खुशी खुशी कार को लेके भी चले गए, ठीक है, कोई क्रेडिट सेल नहीं, कोई उधार पे नहीं है, ठीक है, उनकी अपनी गाड़ी है, कोई उधार पे नहीं है, कोई पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सेल में। अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, ठीक है, बेचने के लिए समझो तब एग्रीमेंट क्या है इसमें, ठीक है, सेल का एग्रीमेंट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोथ द पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज द गुड्स फॉर अ प्राइस एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर दोनों पार्टी जो होती हैं, पार्टी यानी कि एक, मैंने पढ़ा दो पार्टी हमेशा होती है एग्रीमेंट में, एक होता है सेलर एक होता है बायर, जब वो एग्री करते हैं कि हम सामान के बदले में आपसे पैसे लेंगे या पैसे के बदले में आपको सामान देंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है किसी आने वाले समय में आप हमको उसकी जो है डिलीवरी कर देना या आने वाले समय में आपको हम पेमेंट कर देंगे भैया आप सामान ले जाइए, तो ये होता है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, उसमें टर्म कंडीशन जो भी रहती हैं वो क्रेडिट जो होता है सेलर उसके द्वारा रखी जाती है, ठीक है, जो हम पहले बातें भी कर चुके हैं, तो ये इसमें बताया गया, ठीक है, ये था एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, ठीक है। जब पिक्चर समझते हैं अगेन, ये आ गया आपका बायर और यहाँ पर है आपका सेलर, ठीक है। अब जो आपका बायर है, ठीक है, उसके पास जो है मनी है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पर सेट रहती है, अब खरीदने वो आया कार ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब एक टाइम बॉन्ड कर दिया है सेलर ने कि आपने एक स्पेसिफिक डेट पे आपने पेमेंट करनी है, अभी चाहे आप कार ले जाओ, जो बाकी के पेमेंट हैं, जैसे 5 लाख की गाड़ी थी, जो सेलर है वो 3 लाख लेके आए, अब 2 लाख की शॉर्टेज है, तो वो एक एग्रीमेंट टू सेल के एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक कर लेते हैं कि जो 2 लाख रिमेनिंग जो है वो आप 1 साल तक आप हमको पे कर देना, ठीक है, तो हो गया एग्रीमेंट टू सेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक इट, वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा। मैं बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बेल आइकन के थ्रू ही आपको नोटिफिकेशन आती है, आपके यूट्यूब चैनल जब भी आप खोलते हो वहाँ पर एक रेड कलर का आइकन नीचे क्लिक करता है, वो आपको ये स्पेसिफिक करता है कि वीडियो आ चुकी है नहीं, ठीक है, तो आपको मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारी अगली वीडियो कब आएगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।